नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्धगुत्री प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा दिशा से बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूकंप के प्रभाव तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। बच्चों, भूकंप के प्रभाव तथा उससे बचने के लिए उपाय क्या है, तो आइए देखते हैं उसका उत्तर। भूकंप के कारण भवन भरभरा कर जो है गिरने लगते हैं, जल्दी जल्दी जो है गिरने लगते हैं, भूकंप आ जाता है, इससे जान माल की जो है अत्यधिक हानि होती है और साथ ही बच्चों विद्युत प्रणाली के खराब होने की जो है आशंका रहती है, जो विद्युत होता है उस खराब हो जाता है। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए भूकंप के समय यदि संभव हो तो भवन से के बाहर खुले स्थान पर आ जाना चाहिए, वाहन रोक देना चाहिए, जो गाड़ी वगैरह है उसको रोक देना चाहिए तथा विद्युत प्रणाली को जो है बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों ये जो है उपाय है भूकंप के प्रभाव से ये बचने के लिए, ये उपाय है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों, तो सूर्य की किरणें ही सौर ऊर्जा का स्रोत है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा से आप क्या क्या आशय है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, देखो 1, 2, 3 कई वर्षों से पूछा जा रहा है, प्राकृतिक आपदा से क्या आशय है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर देखेंगे। प्रकृति द्वारा उत्पन्न अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर जैविक एवं भौतिक क्षति होती है उसे जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बच्चों भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया एवं सूखा, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो प्रकृति द्वारा बच्चों जो है आती हैं। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, हम लोग उत्तर देखेंगे। कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवाती तूफान हो गया, बादल का फटना तथा समुद्री लहरें, ये सब जो है कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकस्मिक रूप से घटित होने वाली कुछ प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए। जो आकस्मिक मिस होता है बच्चों, एकाएक आ जाना, आकस्मिक रूप से घटित होने वाली कुछ प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए, ताकि इसका उत्तर देंगे। आकस्मिक रूप से घटित होने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, चक्रवाती तूफान हो गया, हिमाधि हो गया, हिम माने पानी होता है, पानी सहित जो आधी आती है पानी लेकर आती है, बादल का फटना तथा भूस्खलन, ये सब क्या है, आकस्मिक रूप से, यानी एकाएक जो है ये सब घटनाएं घटित होती हैं प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का जो है उल्लेख कीजिए। जो धीरे धीरे आती हैं, धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख कीजिए, ताकि बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सूखा, मरुस्थलीकरण, अकाल, पर्यावरण प्रदूषण तथा मौसम एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन, ये जो है धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। जो सूखा हो गया एक आता नहीं, चलो धीरे धीरे आता है, अकाल हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ये सब धीरे धीरे आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। आग से मुख्य रूप से किसकी क्षति होती है, आग से मुख्य रूप से जान माल की जो है क्षति होती है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, घरों में या सार्वजनिक स्थलों पर आग लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो उत्तर देखेंगे हम लोग। घरों या सार्वजनिक स्थलों पर असावधानी के कारण जो है अथवा दुर्घटनावश आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है, मतलब भूकंप की जो है तीव्रता किससे मापी जाती है, तो उत्तर है लिखेंगे भूकंप की तीव्रता मापने रिक्टर पैमाने, यानी रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि जो है कितना भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बाढ़ से क्या आशय है, तो इसका उत्तर देखेंगे। समान रूप से स्थल भाग वाले क्षेत्र में जल व्याप्त हो जाना बाढ़ कहलाता है, यानी अत्यधिक जल इकट्ठा हो जाना जो है बाढ़ की समस्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं परीक्षा। सुनामी के अंतर्गत लहरों की दिशा क्या होती है, तो सुनामी के अंतर्गत समुद्री लहरें मुख्यतः समुद्र से बंदरगाह या तट की दिशा में होती हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं बच्चों, एक शब्द आया है, जहाँ जहाजें रुकती हैं पानी वाली उसे जो है बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय आपदा से ऐसा है राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आना जो है राष्ट्रीय आपदा कहलाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, देखो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के समय होने वाली जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। सूखे से क्या आशय है बच्चों, इस समय सूखा पड़ा भी है उत्तर प्रदेश वगैरह में, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, धान वगैरह की फसल नहीं हो पा रही है,
तो बच्चों सूखे से क्या आशा है, किसी क्षेत्र में मनुष्यों, पशुओं तथा कृषि कार्यों के लिए समान आवश्यकता से काफ़ी कम मात्रा में वर्षा जल का उपलब्ध होना सूखा पड़ना कहलाता है। इस समय सूखा पड़ गया है, काफ़ी वर्षा नहीं हो रही है, कम वर्षा हो रही है।